बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और इफेक्टिव रेमेडी, जिससे आपकी स्किन होगी फेयर और ग्लोइंग, आपको मिलेगी अनइवन स्किन टोन, आपको मिलेगा सारी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा, यानी कि एक्नी स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन। ये रेमेडी बहुत ही ईजी है और इसके इंग्रीडियंट्स ईजिली किचन में पाए जाते हैं, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही सिंपल और ईजी है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी ऐसी अच्छी अच्छी स्किन केयर की वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं हम अपने रेमेडी की तरफ। सो गाइस, मैंने लिया है टोमेटो। इस तरीके से आप टोमेटो के स्लाइसेस काट लेंगे, और आपने लेनी है थोड़ी सी शुगर। इन दोनों का हम स्क्रब बनाएंगे, और थोड़ी सी हमें लेना है टर्मरिक, यानी कि कस्तूरी हल्दी। टोमेटो के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, यानी कि टोमेटो आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन ग्लोइंग करता है, इवन टोन करता है आपकी स्किन को, और साथ ही साथ बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इसके। आपने एक टोमेटो लेना है, उसको आपने कट कर लेना है। फिर इस हाफ टोमेटो को आपने ऐड करनी है इसके अंदर शुगर। इसके अंदर आप शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। शुगर का आप ध्यान रखिएगा, एक थोड़ी सी मोटे दाने वाली होती है, एक थोड़ी सी बारीक दाने वाली होती है। शुगर भी ना 2 टाइप्स की होती हैं, तो थोड़ी जो लाइट दाने वाली है तो कोशिश करिएगा कि वो आप इसमें ऐड करें, क्योंकि वो मोटे दाने वाली है वो बिल्कुल आपके चेहरे से गिरने लगेगी और बहुत ही अजीब सा टेक्सचर हो जाएगा उसका। तो कोशिश कीजिएगा जो थोड़ी पिसी हुई सी होती है तो आप वो यूज़ करें, वो बहुत ही बेस्ट है आपके स्क्रब के लिए। इसमें आपने ऐड करना है 3 पिंच, मतलब 3 चुटकी आप ऐड कर लें इसमें कस्तूरी हल्दी। ये रेडी हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अपने फेस पे आप इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने स्क्रबिंग करनी है अपने पूरे फेस पे, बहुत ही ज़्यादा जेंटली आपने स्क्रब करना है अपने फेस पे। टोमेटो एंड शुगर का मिक्सचर आपके फेस पे स्क्रब और मार्क्स का दोनों का काम करेगा, और साथ ही साथ आपके डेड स्किन रिमूव करेगा और आपकी स्किन प्रॉपर्टीज को क्लेंस कर देगा, और इसके व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो आपकी स्किन में सारी की सारी आ जाएंगी, और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और फेयर बनाएगा। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा डेड स्किन है और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डर्ट है, आपके एक्नी पॉइंट्स हैं, आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्नी निकली हुई है, तो अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी शुगर और भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको जेंटली मसाज करने के बाद आपने 20 और 25 मिनट्स छोड़ देना है। उससे क्या होगा, टोमेटो में जितनी भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके जो अच्छे अच्छे सारे बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्किन में आ जाएंगे। टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स ग्लो प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन के अंदर। टर्मरिक रिवाइव कर देता है आपकी स्किन को, आपके फेस का नेचुरल ग्लो वापस लाकर। शुगर डर्ट और डेड स्किन रिमूव करता है आपकी स्किन के ऊपर से, और साथ ही साथ आपकी स्किन पोर्स में से डर्ट रिमूव करता है और आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाता है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ग्लो आया है फेस पे। सो गाइस, वीडियो होती है एंड इस स्क्रब को आपने ज़रूर यूज़ करना है, ज़रूर बनाइए अपने घर में, बहुत ही इजी और इफेक्टिव रेमेडी है ये। इसमें किसी भी तरह के केमिकल यूज़ नहीं हुए, आपको किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचेगा। आप इसको ईजिली अपने घर में बनाइए और ईजिली अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। इस रेमेडी को वीक में 2 से 3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी स्किन केयर की रेमेडी मैं आपके लिए लाती रहूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी स्किन केयर की प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प हो पाए। सो गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की अपनी स्किन से रिलेटेड, अपने बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइस, अपना सब ख्याल रखें, दुआओं में सब याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।